वेलकम टू नानीज वर्ल्ड में मेरे प्यारे व्यूअर्स, शारदा शेफ का प्यार भरा सलाम। आप सब खैरियत से हैं होंगे। आज हम आपको ग्रीन हरे मसाले का कीमा बताएंगे कैसे बनाते हैं। तो हमने ये होंगे वो ये देखिए हमने कीमे को उबाल लिया है। इसमें 5-6 काली मिर्च डाली है, 2 तेज़पत्ता, 1 बड़ी इलायची और 2 लौंग डाली है, 1 छोटी इलायची डाली है, 2 तेज़पत्ते, नमक इसमें डाल के हमने इसको उबाल लिया है 5-6 मिनट बस। इसको फिर पानी निथार के हमने कीमा साइड में रखा है। अब हम जो है ये देखिए सारे इन्ग्रीडियंट बता दें हम आपको क्या क्या डालेंगे। सबसे पहले हम आपको हमने 3 मीडियम साइज़ के प्याज हमने काटे हैं, ये देखिए चॉप किया है। 3 छोटे मीडियम साइज़ के प्याज हैं और 1 चम्मच अदरक, 1 चम्मच नहीं बढ़ के 1.5 चम्मच अदरक है, 1/2 चम्मच लहसुन पेस्ट है, 1 चम्मच से ज़्यादा लहसुन पेस्ट लिया, 2 चम्मच जो है धनिया की भुक्की है और 1 चम्मच जो है ज़ीरा है, 1/2 चम्मच जो है गरम मसाला है। थोड़ी सी गार्निश के लिए हमने कोथमीर कतर के रखी है। और हरे मसाले का कीमा बनाना है तो ये हम इसमें हमने 3 हरी मिर्ची लिया, देखिए 3 हरी मिर्ची हैं और 1 कप भर के हमने कोथमीर लिया, धो के रेडी रखा है। और 1/2 कप हमने जो है दही लिया, 1/2 कप दही। और नमक आप अपने हसब जायका डालिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम तेल डालेंगे, तीन चम्मच हमने लिया है इसमें ऑयल, कुकिंग स्पून के 3 चम्मच, ये चम्मच डाले, 3 चम्मच ऑयल है और हमारा 1/2 किलो कीमा है। अब इसमें हम डालते हैं सबसे पहले थोड़ा गर्म, बॉयल में सारे खड़े गर्म मसाले डाल दिए हैं, फिर भी इसमें हम जो है बादियान का फूल, 1 इलायची हमने ऐसे डाला है, सब तेज़पत्ता वगैरह सब हम डाल चुके हैं उसमें। हम डालेंगे इसमें प्याज, थोड़ा सा प्याज जो है इसमें पीसना चाहिए। ये लाइट ब्राउन होने तक इसको हम फ्राई करेंगे प्याज। और ये आपके ऊपर, आप चाहे तो लाल मसाले भी बना दो, उसमें कश्मीरी मिर्च, किसी भी कश्मीरी मिर्च और स्पाइसी लाल मिर्च की भुक्की वो भी डाल के, हल्दी डाल के आप लाल मसाले बना सकते हो, उसमें टमाटर डाल दो। हम तो सिर्फ हरे मसाले के बनाएंगे तो इसमें सिर्फ हम दही डालेंगे, टमाटर और मिर्ची और हल्दी कुछ भी नहीं डालेंगे। हरे मसाले मतलब हरा मसाले को ग्रीन दिखना चाहिए। प्याज हमारा ब्राउन हो गया, थोड़ा लाइट ब्राउन और थोड़ा सा हम करें ब्राउन, गोल्डन ब्राउन होने तक। फिर हमने ये थोड़ा प्याज निकाल लिया है, ये हम इसको मिक्सर में इसका पेस्ट कर लेंगे। ये 3 हरी मिर्ची, स्पाइसी मिर्ची है तो ज़्यादा नहीं खाते तीखा, तो 3 मिर्ची ले रही है और 1 ये भर के कोथमीर लिया, इसका हम पेस्ट बना लेंगे। गोल्डन ब्राउन हो गया है प्याज, तो इसमें हम पहले कीमा नहीं डालेंगे क्योंकि कीमा हमने बॉईल कर लिया है, तो इसमें हम डालेंगे लहसुन का पेस्ट। 1/2 किलो कीमा है तो हमने 1/2 चम्मच जो है लहसुन पेस्ट लिया है और 1.5 चम्मच अदरक लिया हमने। इसको जो है इसके कच्चा होने का उसको भून लिया 2-3 मिनट ताकि इसके कचाई निकल जाए। ये 2-3 मिनट हो गए भुन गए हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट। और अब हम डालेंगे 1 चम्मच ज़ीरा गरम मसाला, हम कीमा जब भूनेंगे तब डालेंगे।
गया है, फिर हमने 2 चम्मच धनिया की भुक्की और 1 चम्मच ज़ीरा डाला है, और ये 1/2 चम्मच हम गरम मसाला हमारा, और थोड़ा गरम मसाला बाद में पकने पे जब कीमा डाल के भूनेंगे तब डालेंगे थोड़ा। ये हमारा भून गया है, अभी हमने थोड़ा सा 3 मिर्ची और प्याज थोड़ा हल्का लाइट तला था हमने, प्याज छोटा एक प्याज और 3 मिर्ची और हम ये कोथमीर ये डाल के हमने पेस्ट इसका बना लिया, जिसको लास्ट में इसको हम करेंगे। कीमा उबाल लो तो बहुत इजी हो जाता है, ये हमारी हस्बैंड की डिस्कवरी है वो भी कभी कभी बनाते हैं तो वो बहुत इजी, उनका जो पकाना रहता है बहुत ही इजी रहता है। आज हमसे बोले तुम कच्चे कीमा नहीं, तुम उबाल लो पहले कीमा, शायद फिर बाद में इसको बनाओ, तो हमने वैसे ही किया उनकी तरह, उबाल लिया कीमा पहले गरम मसाले के, भूनेंगे फिर कीमा डाल के अच्छे से भून लेंगे। अभी हम नमक, कीमे में भी नमक डाला है हमने उबाल करते टाइम, तो इसमें हम 1/2 चम्मच डालेंगे, फिर उसके बाद लास्ट में हम चखेंगे, अगर हमें कम लगा तो फिर हम और नमक डाल लेंगे। ये देखिए इसको अभी नमक डाल दिया है, थोड़ा भून के फिर हम डालेंगे इसमें दही। हमारे यहाँ ज़्यादातर हम लोग को लाल मसाले के गोश्त है कीमा है सब पसंद है, और हमारे यहाँ हमारे हस्बैंड को सब ग्रीन मसाला, पता नहीं चीज़ें उनको पसंद है, ग्रीन मसाला ग्रीन कोरमा। स्टार्ट हमने उन्हीं की पसंद से ग्रीन कोरमे से किया था अपना वीडियो यूट्यूब पे, जब आए फर्स्ट मेरा वीडियो जो आया है तो ग्रीन कोरमे से स्टार्ट किया था, अब तो हमारे 25-30 वीडियो आ चुके हैं, तो इसलिए ज़्यादातर उनकी पसंद से बन जाता है खाना, तो हम लोग भी खा लेते हैं, बनता अच्छा है, लेकिन सिर्फ मिर्ची हमारे यहाँ बहुत कम रहती है, तो बच्चे हमारे जो मुँह बनाते भी हम साइड से चटनी पीस के रखते हैं धनिया की और ना लहसुन की, तो वो साथ में खाते हैं फिर वो बच्चे लोग हमारे। ये देखिए भुनने को आया है थोड़ा, और इससे पाव से भी खा लो आप, पराठे बना लो पराठे से खा लो, चपाती से, हर तरह से कीमा अच्छा लगता है, सुबह नाश्ते में भी हमारे यहाँ तो बच जाता है, तो सुबह नाश्ते में भी हम लोग इसी को खाते खा लेते हैं। आज वो बोल के गए इसमें हरे मटर डालना, तो हमारे यहाँ फ्रोज़न मटर हैं, अगर सही है तो डालेंगे उबाल के इसमें लास्ट में, नहीं अगर सही लगे मैं तो नहीं डालूंगी। ये देखिए अब हम दही डाल रहे हैं, ये 1/2 कप दही है, ये माफ है कप 1/2 कप का, ये देखिए 1/2 कप है, ये 1/2 कप दही है हम डाला है, और हम जितने भी कुकिंग का बताते हैं जितना भी कुकिंग का यूट्यूब पे बताते हैं, अगर आपको मतलब आप देखते हो वीडियो हमारा, तो अगर आपको पसंद आता है नहीं आता तो आप कमेंट करिए, तभी तो हमको पता चलेगा कि आपको पसंद आया कि नहीं आया। सो खुला पकाएंगे ना तो एकदम ग्रीन रहेगा, बंद कर दिया ना तो इसका ग्रीन कलर चेंज हो जाएगा, बंद करने से भाप से क्या है ना वो धनिया जो रहती है ना हरी धनिया जो पीस के डाला है मेरे को वो एकदम फिर एकदम अजीब सा हो जाता है कलर, पिए चॉकलेटी जैसा, ये तो अभी ग्रीन है फुल का, क्योंकि हमने कीमा उबाल लिया है, अभी हो जाएगा इंशाल्लाह। ये मेरा कीमा भुनने को आया है एकदम अच्छी स्मेल, खुशबू चुपने लगी है, भुनने को आया कीमा खुशबू अच्छी आ रही है, मसाला मेरा भी रेडी हो रहा है, उसमें अच्छी स्मेल आ रही है खुशबू एकदम। अब हम इसमें डालेंगे कीमा डालेंगे, इसमें उबला हुआ कीमा डालेंगे, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता पकने को, ये अरे मसाले कीमा जो उबाल के आप बना लोगे ना तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जितने खड़े बड़े मसाले हैं वो निकाल लेंगे। ये थोड़ा हम कीमा डाले इसको ही मसाले के साथ थोड़ा भून लें, और थोड़ा सा पानी डाल के पकने को रख देंगे, जितना कीमा तो गल गया लेकिन इसमें एक चाप भी डलवा के लाए हैं, ये देखिए चाप भी है तो इसको भी गलना चाहिए, और 2-3 रोटियां भी हैं जो कीमे से निकलती हैं ना,
तो इसको भी पकना चाहिए, थोड़ा हम पाँच मिनट भून लें अच्छे से इसको, और क्योंकि मसाला भी पूरा मिल जाएगा ना कीमे में भूनेंगे तो। ये इसमें हमने भी आज जीरा राइस भी सोचते हैं बना लें, मेरा कीमा भी जो है ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, और इसमें भी हमने ये कीमा मसाला है हकीम का और चाट मसाला है, ये हमने डालना बताया नहीं आपको, इसमें इंग्रेडिएंट में जितने बताए उसे नहीं बताया, अब हम डाल रहे हैं आपको बता रहे हैं। इसमें पाव चम्मच चाट मसाला और आधा चम्मच कीमा मसाला हकीम का, और ये जो है लास्ट में ये हमने कसूरी मेथी, ये डाल दीजिए तो इससे टेस्ट बहुत बढ़ जाता है, क्रश करके ही रखा है हमने, ये देखिए इसमें डाल के हम इसको चला देते हैं। ये हमारा कीमा रेडी हो गया है, अब जो है हम ज़ीरा राइस भी ज़रा बघार लें, फिर उसके बाद इसको गार्निश करके फिर हम आपको बताएंगे। ये ज़ीरा राइस बना रहे, एक तेज़ पत्ता और पाव चम्मच शाह ज़ीरा, 5 से 6 काली मिर्च, 2 लौंग और 1 चम्मच ज़ीरा, ये इतना डाल के और ये हरी भरी थोड़ी सी चौकी भी हरी भरी प्याज, खत्म हो गया घी, तो हमने 2 चम्मच घी डाला है इसमें और बाकी तेल डाला है जीरा राइस में। वैसे जीरा राइस जो है घी से ही बनाओ तो अच्छा बनता है। फिलहाल हम यहाँ घर में मलाई हमारी इकट्ठा हो रही है, अब हम सिलसल या कल तक निकाल लेंगे मलाई से घी, ज़्यादातर हमारे घर में घी निकल आता है, मलाई इतनी निकलती है दूध में तो अच्छा खासा घी निकल जाता है। पूरा प्याज जो है पूरा प्याज सॉफ्ट हो जाए, इसको हमको एकदम ब्राउन नहीं करना है, जीरा राइस के जो प्याज है थोड़ा सा सॉफ्टनेस आ जाए प्याज में, अभी एकदम बराबर गला नहीं है, थोड़ा सा सॉफ्टनेस आ जाए प्याज में, नरम हो जाए मतलब, फिर हम ये आधा चम्मच अदरक और आधा चम्मच लहसुन का पेस्ट डालेंगे और उसको अच्छे से भून के फिर पानी डाल देंगे, पानी बॉयल के होने पर फिर राइस डालेंगे। राइस हमारा हो गया है, 15 से 20 मिनट हो गए भीगते हुए, ये देखिए ये वाला कोलम राइस लिया हमने, देखा जाए तो कोलम का ही ज़ीरा राइस अच्छा बनता है, मैं बासमती के बिरयानी के लाओ बाकी कुछ नहीं अच्छा लगता है बासमती राइस। इसमें हमने 400 ग्राम तक राइस लिया है, 400 ग्राम राइस है हमारा, तो उसके हिसाब से हमको आधा चम्मच ही नमक डालेंगे, हम नमक डालें इसका थोड़ा प्याज जल्दी गल जाएगा, सॉफ्टनेस आ जाएगी। अभी मेरा प्याज हो गया है, अभी इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, तो 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर डाला है, अदरक लहसुन का अभी भून गया है, अब इसमें हम डालेंगे पानी। तो हमारे चावल 400 ग्राम है, यानी कि डेढ़ हमारी माप है जो डेढ़ लिया है हमने, उसके अंदाजे से उसका डबल पानी डालते हैं। अब इसमें हमने 3 ग्लास पानी डाला है, क्योंकि राइस पुराने हैं इसमें पानी ज़्यादा लगता है, अब इसमें पानी उबलने लगा हम डाल देंगे चावल, चावल डालेंगे फिर नमक हम एक टाइम और चखेंगे नमक, और इसमें बघार में हमने अच्छा कोथमीर कतर के बघार में डाला था, उससे टेस्ट बहुत अच्छा जायका आता है। नमक कम है, नमक थोड़ा और हम डालेंगे, 5 चम्मच नमक और डालेंगे, ये देखिए इतना नमक और डाला है बस। चलिए फिर हमारा राइस भी बन जाएगा, फिर कीमा हम आपको सर्व करके बताते हैं, राइस हमारा जब तक पकता रहेगा। कीमा रेडी हो गया है, अब इससे हम कोथमीर से थोड़ा गार्निश कर देंगे, ये देखिए
ये बहुत ही लजीज बनता है हरे मसाले का। आप लाल मसाले भी बना सकते हो लेकिन हरे मसाले का भी बहुत टेस्टी बनता है क्योंकि उसमें कोथमीर का पेस्ट रहता है, काफ़ी ज़्यादा कोथमीर डाली जाती है इसमें। और ये हमारा रेडी हो गया है, पाव या पराठे जिससे भी आपका मन हो खाइए। और दुआ में याद रखिए, इंशाल्लाह फिर दूसरे ब्लॉग में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। जय हिंद।